हेलो एवरीवन, माय नेम इज हावियत अब्बास। वेलकम बैक टू माय चैनल शिट हाउजरी। आज आप सभी को बताऊंगा मेरा इंट्रोडक्शन। भाई 2019 के अंदर मेरे चाचा के लड़के बार्टिमो को ना ग्रीजमान खरीदना था। मैंने पता क्या किया, उसकी हेल्प की। कैसे हेल्प की? ग्रीजमान का रिलीज क्लॉज ना 200 मिलियन से 120 मिलियन होने वाला था उस साल, ठीक है। बट बार्सिलोना ग्रीजमान से बहुत पहले ही कॉन्टैक्ट में आ गई थी जब उसका रिलीज क्लॉज 200 मिलियन था। तो एटलेटिको मैड्रिड ने क्लेम किया कि उनको 200 मिलियन मिलने चाहिए, पर बार्सिलोना को कितने देने पड़े? 120 ही, क्योंकि मैंने कोई दिक्कत नहीं करी उस वक्त, कोई केस नहीं किया मैंने बार्टिमो के ऊपर, क्यों करूंगा भाई। और बार्सिलोना ने डेम्बेले और कुटिन्यो को भी खरीदा था उससे पहले, बट देर वॉज नो प्रॉब्लम इन रजिस्टरिंग ग्रीजमान, क्योंकि भाई कम ऑन, बार्टिमो मेरा भाई है यार, मेरा बच्चा है बार्टिमो यार, वो फाइनेंसिस में कोई दिक्कत थोड़ी ना कर सकता है। ही इज अ एपिटमी ऑफ मैनेजरशिप भाई, कम ऑन। उससे ज्यादा प्रेसिडेंट ही नहीं देखा है कभी बार्सिलोना ने, वो गलतियां नहीं कर सकता अपने अकाउंट्स में, ठीक है। तो उसने कोई गलतियां नहीं की हुई थी, ग्रीजमान फेयर एंड स्क्वेयर बार्सिलोना को मिला था, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। एटलेटिको यार गानवाला है बहनचोद। तो भाई दिस इज अबाउट 2019। अब प्रेजेंट की अगर बात करते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं फिर से आप सभी को। भाई गैवी रजिस्टर नहीं होना चाहिए यार, यह समझ नहीं आता मेरे को, उसकी स्माइल नहीं अच्छी लगती, पता है वो जो वो 6 नंबर जर्सी ना, नहीं बार्सिलोना में होना ही नहीं चाहिए, बार्सिलोना में अच्छे प्लेयर ही नहीं होने चाहिए। मैं बताऊं, मैंने पहले मेस्सी को भी ना बार्सिलोना साइन ना कर पाए 2004 के अंदर ना, मैंने बहुत कोशिश की थी, भेजो नहीं हुआ, पर कोई नहीं। उसके बाद मैंने पूरी कोशिश की कि मेस्सी निकल जाए और वो पॉसिबल हो गया भाई। उसके बाद मैंने कोशिश की है साले लेवेंडोव्स्की और कुंडे को रजिस्टर ना कर पाए, पर कुछ ना कुछ करके लापोर्ता ने लेवर खींच के फलाना ढिंकाना कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब भाई गावी के तो मैं पीछे पड़ूंगा, ऐसे कैसे रजिस्टर कर लेंगे भाई, चुल मचती है मेरे, गावी कैसे रजिस्टर हो जाएगा, मैं नहीं होने दूंगा। कोर्ट केस जीत गई बार्सिलोना, कोई नहीं, मैं रूल बुक के अंदर डिसीजन ही चेंज कर दूंगा कि गावी को रजिस्टर ना कर सके ये लोग। मैं सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा मैं, पर गावी को रजिस्टर नहीं होने दूंगा मैं, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। आई डू नॉट गिव अ फक अबाउट मेकिंग द लीग कंपेटिटिव या फिर लुक्रेटिव या वॉचेबल, ना मैं पढ़ूंगा गावी के पीछे। बार्सिलोना ने साले ने रजिस्टर कैसे कर लिया गावी को, और अब बार्सिलोना मजा आ रहा है, केसो नेग्रेरा के अंदर फंसी हुई बहनचोद, नहीं भी दिए पैसे, मैं प्रूफ करेगा कि पैसे दिए बार्सिलोना ने, रेफरी खरीदे हैं, मैं प्रूफ करेगा ये चीज, मैं इन शॉर्ट इसी चीज को प्रूफ करेगा कि मेरी निगरानी के अंडर ये सब हो रहा था और मेरे को खुशी हो रही है, मैं खुद को चूतिया प्रूफ करने के लिए खुशी है मेरे को, ठीक है, मैं करेगा। और उसके लिए मेरे को अगर फॉल्स एविडेंस भी क्लेम करनी पड़े तो भी करेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्ड अप। भाई ये यार पता क्या था, ये मैं आपको अभी रीसेंट न्यूज बता देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब फलाना ढिंकाना सब कुछ कर देना भाई। पता है कि टेबस भाई साहब कितना गिर गए, कितना ज्यादा गिर गए, क्या किया उन्होंने टेबस भाई साहब ने, जो केसो निगरेरा था ना, प्रोसिक्यूटर ऑफिस को फॉल्स एविडेंस ला के दी है खुद पर्सनली, समझ रहे हो आप, खुद पर्सनली फॉल्स एविडेंस ला के दी कि बार्सिलोना प्लेयर भाई बार्सिलोना केसो निगरेरा में फंस जाए। उन्होंने ऐसा क्लेम किया है कि टेबस भाई साहब ने कि बार्सिलोना एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट मिला है बार्सिलोना के फॉर्मर बोर्ड मेंबर के घर में, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि रीसेंट है, इस केसो निगरेरा से रिलेटेड है, जबकि ला वैंगार्डिया न्यूज़पेपर का ये कहना है कि वो पीस ऑफ पेपर या जो भी वो एविडेंस है दैट इज 2 decades old, 20 साल पुराना है, एंड सेकेंडली डज नॉट इवन कंसर्न केसो निगरेरा, वो कोई साउन नाम के केस का है। अब इसमें युद्ध तो होगा भाई, तुम्हें क्या लगता है लापोर्ता ऐसा प्रेसिडेंट है चुप हो जाएगा, पागल है क्या, दिमाग खराब है, लापोर्ता चुप होने वालों में से थोड़ी ना है भाई। बार्टिमो था इसका चचेरा सगा भाई, कुछ भी होगा, ठीक है, आपस में इनकी कुछ केमिस्ट्री होगी, हमें क्या पता, लापोर्ता की नहीं है, लापोर्ता के आगे नहीं चलेगा। एंड यस्टरडे लापोर्ता आंसर्ड, ये बहुत दिनों से कह रहा था ना पब्लिक में आओ, पब्लिक में निगरेरा के बारे में हम अभी नहीं बोलेंगे, कर ले क्या करेगा, बाल उखाड़ ले भाई, नहीं करेंगे हम अभी भी नहीं करेंगे, हमने अभी भी आके स्टेटमेंट क्या दी, इसको फाड़ के रख दिया हमने। कल बार्सिलोना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया है कि दे कंडेम, दे आर एंग्री एंड दे कंडेम द एक्ट, ये जो इसने की है ना, ये ला लीगा के प्रेसिडेंट ने ये जो हरकतें की हैं, मैं देखो एग्जैक्ट स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड नहीं याद मेरे को, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं आसान भाषा में। बार्सिलोना ने सीधी सी बात यह कही है कि सबसे पहला बेन बॉम्ब शेल जो है
कि वी वुड लाइक फॉर द डिग्निटी ऑफ द लालीगा प्रेसिडेंसी टेबा शुड रिजाइन. भाई दिस इज अ क्लब हु इज कॉलिंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द लालीगा प्रेसिडेंट. ये ना अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं ये, ठीक है, रिसेंट हिस्ट्री में नहीं हुई है ये बवाल है, ये बहुत बड़ा. लापोर्ता ने सीधा आके स्टेटमेंट दे दी है कि चुपचाप इसको रिजाइन कर दिया जाए. अब रेजिग्नेशन के रीजंस क्या है? बार्सिलोना फील दैट दे आर अ विक्टिम ऑफ अ स्मेयर कैंपेन विच इज बीइंग रन अगेंस्ट देम एंड दे आर बीइंग थ्रोन इन अ बैड लाइट. केसो निग्रेरा में भी उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है व्हेन देयर इज नो एविडेंस. और ये प्रूव भी हो चुका है कि कोई एविडेंस नहीं मिली अभी तक, ठीक है, और बेकार में. अब बार्सिलोना आर एंग्री एट द फैक्ट. और सुनो, उन्होंने क्या कहा है? लालीगा का प्रेसिडेंट has always has his usual nonsense against Barcelona, usual nonsense against Barcelona, but this time he has crossed the limits by actually fabricating a piece of evidence against us. Fabricate kiya bhai, sahi mein aap ye samajh rahe ho, forging a piece of fake evidence. Ye na sirf yahan pe La Liga ke andar nahi hai, matlab koi dikkat wali cheez ki jisko fine lenge, ye this is a punishable offense in the court. ठीक है, अगर एक्चुअल में पकड़ा गया ना टेबास कि उसने सही में फोर्ज किया है, यहां लालीगा प्रेसिडेंसी की बात छोड़ो, जेल जाना पड़ेगा भाई. दिस इज अ पनिशेबल क्राइम. आप फोर्ज कर रहे हो, एक्चुअल में केस चल रहा है एंड यू आर प्रोवाइडिंग फॉल्स एविडेंस जस्ट सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर हेट्रेड टुवर्ड्स द क्लब. भाई कितना ज्यादा बड़ा क्राइम है ये, कितना ज्यादा सीरियस ऑफेंस है ये. भाई मैं तो चाहता हूं अगर ये प्रूव हो जाए ना भाई, लालीगा प्रेसिडेंसी छोड़ो, जेल में सड़ना चाहिए ये बंदा. मजाक भी नहीं कर रहा मैं. ऊपर से बार्सिलोना ने ये कहा है कि वी वुड लाइक दिस प्रेसिडेंट टू रिजाइन बिकॉज ही विल परसिस्ट दिस एक्ट ऑफ एवर्जन टुवर्ड्स द क्लब एंड ही विल कंटिन्यू टू डू सच थिंग्स इन द फ्यूचर एज वेल. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बार्सिलोना की तरफ से. भाई ला वेंगाडिया ने ये रिपोर्ट दी है कि फॉल्स एविडेंस से बार्सिलोना को गंदी गंदी तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है. व्हाई वोंट बार्सिलोना टेक एन एक्शन? बिल्कुल लेगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. कोई भी कहे अगर कि ये ओवरथ्रो की गई है, भाई ये गलत है, टेबास के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लीग प्रेसिडेंट के लिए, भाई वी डोंट गिव अ फक. उस बंदे ने कब हमारे बारे में ढंग का बोला ये तो बता दो. टाइम आफ्टर टाइम हर एक इंटरव्यू में साला कुछ ना कुछ बार्सा के लिए उल्टा बोलता है. डू यू थिंक मेस्सी का रिटर्न इतना ज्यादा आ रहा है, जो मेरी सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है भी, वो ये पॉसिबल होने देगा? हाँ शायद, मतलब लालीगा की वॉचेबिलिटी के लिए ये शायद पॉसिबल होने दे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई दिस गाय इज सीरियसली ऑब्सेस्ड विद बार्सिलोना. ऑब्सेस्ड जिसे कहते हैं, आई हैव नेवर सीन एनी लीग प्रेसिडेंट बींग ऑब्सेस्ड विद वन क्लब ऑफ देयर लीग एंड वन ऑफ द हाइएस्ट रनिंग क्लब्स ऑफ देयर लीग. ठीक है भाई, कम ऑन यार, कुछ भी, मतलब आई थिंक दिस इज जस्टिफाइड फ्रॉम बार्सिलोना. अगर आप मेरा ओपिनियन मांगो, 110% कंप्लीटली जस्टिफाइड है स्टेटमेंट. और अब बार्सिलोना एंड टेबास आर ऑन अ कंप्लीट वॉर. अब यहां पे ना कोई पीछे नहीं हटने वाला. टेबास कोई स्टेटमेंट देगा पब्लिक के अंदर, बार्सिलोना फिर कुछ उसको उछालेगी. अब यहां पे गंदा होगा, मैस में आएगा. हमें इस सब का सोल्यूशन चाहिए भाई. हमें सीधी सी बात है, इस बंदे का रेजिग्नेशन चाहिए. या तो ये सुधर जाए, या तो ये चीजें करना बंद करे, और 23 दिसंबर जिस दिन लालीगा के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं इस साल, उस दिन अपना फेट एक्सेप्ट करे. या तो ये सुधरे, और अगर नहीं सुधरता, अगर ये ऐसी हरकतें करता है, मैं तो कहता हूं सिर्फ रेजिग्नेशन ही. इफ प्रूवन कि इसने फॉर्ज किया एविडेंस, सेंड हिम टू जेल मैन. इट इज एज सिंपल एज दैट. सेंड हिम टू फकिंग जेल. अब बात करते हैं गाइस मेसी और पीएसजी के डिवोर्स की. मेरे को पता है आप लोग कहोगे यार ये हर दिन मेसी छाप रहा है वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ. भाई पर इसके अंदर रूमर्स इतने, अपडेट्स इतने आ रहे हैं, क्या करें भाई, मेसी का कवर करना जरूरी हो गया. लेटेस्ट अपडेट वेरोनिका ब्रुनेटी, ठीक है, फ्रेंच मीडिया. अब पता है जेरार्ड रोमेरो से हट चुका है. जेरार्ड रोमेरो ने तो शुरू कर दिया था ये कि नहीं करेगा रिन्यू. सुन लो मेरी बात, फैब्रिजियो रोमानो लगा हुआ है, नई वर्बल एग्रीमेंट है, ये वो फलाना ढिकाना. भाई ओनली जेरार्ड रोमेरो अगेंस्ट द वर्ल्ड था. जेरार्ड रोमेरो सही निकला. फ्रेंच मीडिया के अब आउटलेट्स धीरे धीरे, आरएमसी स्पोर्ट, ले क्विप और आपके भाई, धीरे धीरे सारे के सारे ना लाइन पे आ रहे हैं. वेरी वेरोनिका ब्रुनेटी, ठीक है, फ्रेंच मीडिया का सोर्स है ये. आई थिंक आरएमसी स्पोर्ट और ले क्विप, इन दोनों में से किसी एक के लिए काम करती हैं वो. उन्होंने अब ये कहा है कि देर इज अ कंप्लीट डिवोर्स बिटवीन पीएसजी एंड मेसी. ही विल नॉट रिन्यू विद पीएसजी. इनफैक्ट बार्सिलोना आर गोइंग टू
make an official offer to sign Messi this week. They are going to start the talks to sign Messi, and their offer will be until 2025, 1 year fixed plus 1 year variable. ये इतना तक जाके लेंथ पे उन्होंने कह दिया है. सेकेंडली फेब्रिजियो रोमानो ने भी ये कह दिया है कि मेसी इज नॉट मेसी एंड पीएसजी रिन्यूअल टॉक्स आर एट अ स्टैंड बाय. ही वॉन्ट्स टू लिसन टू देयर ही वॉन्ट्स टू बी एश्योर ऑफ देयर स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट बिफोर एग्रीइंग टू एनीथिंग. एंड राइट नाउ मेसी इज फार फ्रॉम रिन्यूइंग विद पीएसजी. ये फेब्रिजियो रोमानो ने भी बोल दिया. हाँ, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि बार्सिलोना मेसी के लिए कोई ऑफर करने जा रही है और टॉक शुरू होने वाले, ऐसा कुछ नहीं. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम फेब्रिजियो रोमानो हैज सेड कि पीएसजी और मेसी के बीच जो टॉक्स हैं दे आर एट अ स्टैंड बाय. नवंबर में फेब्रिजियो रोमानो ने यह बात कही थी कि वर्बल एग्रीमेंट रीच हो चुका है एंड मेसी हैड नो डाउट्स ही विल रिन्यू विद पीएसजी वंस द वर्ल्ड कप एंड्स. बट अब ऐसा नहीं हुआ है. मेसी इज हैविंग सेकेंड डाउट्स और होने भी चाहिए. फिर से बू किया गया मेसी को बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ पीएसजी फैंस. मेरे को समझ नहीं आता भाई क्या भाई मेसी लेफ्ट छोड़ो भाई छोड़ो मैं बेकार की बातें बोलूं भाई. अटर शेमलेस अटर बुलशिट फैन बेस इन द वर्ल्ड अटर बुलशिट भाई. इससे ज्यादा खराब फैन बेस नहीं देखा मैंने सालों को. एम्बाप्पे को बू करने के अंदर ना इनकी खत्म हो जाती है. औकात नहीं है कि एम्बाप्पे को बू कर दे. क्यों नहीं करते तुम? एम्बाप्पे को राजा बना के रखा हुआ है. ही इज हैविंग पिस पुअर गेम्स इन पीएसजी जर्सी. वेयर वाज ही अगेंस्ट बायर्न? उसके बाद अभी जो मैच हारे हैं वो लियोन के अगेंस्ट. कहां था एम्बाप्पे? एम्बाप्पे की रेटिंग देख लो, 6 के अंदर थी. मेसी मिडफील्ड में ड्रॉप करके चांसेस भी खुद बना रहा है, बॉल भी खुद प्रोग्रेस कर रहा है और खुद ही आगे जाके फिनिश करे. क्या चाहते हो भाई उससे? 35 ईयर ओल्ड है वो. 35 फॉर फक्स सेक. और उसको बू करेंगे हम? नेमार को बू करेंगे हम? इनफैक्ट एक बात बताता हूं, फॉर्मर बार्सिलोना चेल्सी प्लेयर इमैनुएल पेटिट ने भी कल आके ये बात बोली है कि मेसी शुड सीरियसली कंसीडर लीविंग पीएसजी. दिस इज नॉट अ क्लब, दिस इज नॉट अ फुटबॉल क्लब, दिस इज अ प्री रिटायरमेंट क्लब इवन फॉर 20 ईयर ओल्ड. आई हैव नेवर सीन अ प्लेयर प्रोग्रेस फ्रॉम पेरिस सेंट जर्मेन. इतना तक कहा है उन्होंने. ये भी कहा है कि इट इज एन इंसल्ट टू फुटबॉल दैट प्लेयर्स लाइक नेमार एंड मेसी आर गेटिंग इंसल्टेड. इट इज अ सर्टेन सेक्शन, देयर इज अ पैक ऑफ डॉग्स. कुत्ता बुला दिया उन्होंने पीएसजी फैंस को. देयर इज अ पैक ऑफ डॉग्स हु थिंक दैट दे कैन इंसल्ट मेसी एंड नेमार एट एवरी मोमेंट. एंड मेसी शुड लीव दिस क्लब इमीडिएटली. एंड सेकेंडली प्री रिटायरमेंट होम तो बोली दिया है इवन फॉर 20 ईयर ओल्ड्स, ये उन्होंने कहा है. और ये भी कहा है कि कोई भी प्लेयर कभी भी पीएसजी से भाई आगे प्रोग्रेस ही नहीं करता है. इट इज ऑलवेज अ डाउनफॉल व्हेन यू जॉइन पीएसजी. तो ही हैज अर्ज्ड मेसी एंड नेमार टू लीव दैट शिट होल क्लब इमीडिएटली. भाई अब आप ये देख लो भाई, प्लेयर्स भाई खुल के बोल रहे हैं सीधा कि ये मेसी नेमार को ना ये क्लब छोड़ देना चाहिए. भाई आप ये समझो, मेसी नेमार जैसे प्लेयर्स को बुक. कम ऑन भाई, कम ऑन. चलो खराब परफॉर्मेंसेस दे रहा है, मैं मेरी बात सुनना. आप सारे प्लेयर खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना, पूरी टीम को बू करो ना. साले दो प्लेयर्स को अलग से साइडलाइन करने का क्या मतलब बनता है? और वो एम्बाप्पे को बाप बना रखा है खुद का, उसको क्यों नहीं करते कुछ? वो तो हमारा बेटा है यार, हमारे बेटे जैसा है. उसको तो फ्रांस के प्रेसिडेंट खुद आएंगे फील्ड पे कंसोल करने. क्या हो गया एम्बाप्पे बेबी, तुम ठीक हो ना यार? सर क्या चल रहा है यहाँ पे? क्लब है, कॉमेडी सर्कस है भाई. देखो अब ये जो मैंने आपको रूमर्स बताए, ठीक है, और अब ये जो मैंने इमैनुएल पेटिट ने भी बोला और ये सब जो भी हो रही हैं चीजें, भाई आई थिंक दिस इज हाई टाइम फॉर मेसी एंड आई थिंक ही विल लीव पीएसजी. मैं ये नहीं कह रहा बार्सिलोना आ जाएगा. आई थिंक ही विल लीव पीएसजी दिस समर एंड ही शुड. इस क्लब को छोड़ो भाई एक बार को ना. एमएलएस वुड बी अ बेटर ऑप्शन देन पीएसजी. मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई. अनलेस दे साइन सम कोच जो कि दिखाए कि ये सीरियस क्लब है, विलिंग टू विन सम टाइटल्स. अनलेस दे साइन सम गुड प्लेयर्स एक्चुअली नीडेड बाय द टीम एंड नॉट सिर्फ कि भाई मार्केट के अंदर जो महंगे से महंगा मिडफील्डर है उसको ले आओ, सारे मिडफील्डर भर दो. फैबियन रुइस, कार्लेस, सुलर विटिनिया, सारे के सारे एक ही ट्रांसफर विंडो के अंदर भर दो. ऐसा नहीं भाई, एक सीरियस क्लब हु रीइंफोर्सेस एवरी पोजीशन. सिर्फ एक रिटायरमेंट होम ना बन के रह जाए. 30-30 प्लस के प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं भाई, यंग प्लेयर्स लाओ, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाओ.
प्रोजेक्ट को सिर्फ यूसीएल के अराउंड या एम्बाप्पे के अराउंड मत घुमाओ, प्लीज बी थ्रेटनिंग। पहले क्लब को इंप्रूव करो अंदर से लेके बाहर तक, ईगोस खत्म करो ड्रेसिंग रूम के अंदर, तब मेस्सी जैसे प्लेयर को रिटेन करने की सोचना। आई थिंक मेस्सी शुड लीव भाई, क्योंकि पीएसजी में इस वक्त बहुत गड़बड़े और ये लोग ना आगे के 2-3 साल भी यूसीएल नहीं जीतने वाले अगर ऐसा ही चला तो। इनका नॉट इवन किडिंग, 2-3 साल भी कम बोल दिया शायद। दिस इज अ शिट हॉल ऑफ अ क्लब विच मेस्सी शुड लीव एट द अर्लीस्ट। आई डोंट केयर वो ही गोज टू सिटी, ही गोज टू एमएलएस, लीव पीएसजी भाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो भाई, प्लीज डू लीव अ लाइक, कमेंट में अपने थॉट जरूर बताना दोनों ही न्यूज के बारे में, द वॉर बिटवीन लापोर्ता एंड टेबास एंड मेस्सी पीएसजी का जो डाइवोर्स हुआ है। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, विस्का एयर बार्सा।